नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है। मैं इंजीनियर मोहित यादव आपके बीच एक बार फिर से आया हूँ नए क्वेश्चन के साथ। आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आज की बात है, आज क्लास में एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा हमसे। आया बोला कि सर इसकी कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए सर एक बार। तो मैंने कहा कैलकुलेशन करके देखिए आप। तो उसका जो तरीका था कैलकुलेशन का, इतना टफ तरीका था कि अगर वो इस तरीके से करना शुरू करता तो उसका एग्ज़ाम में समय बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि जब वो कैलकुलेशन करता है तो वो खुद की कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ कर लेता है। आइए एक बार जरा नज़र डालते हैं इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन को उस बच्चे ने कैसे किया और उसके जो साथी होंगे वो भी इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जरा एक बार देखेंगे और सीखेंगे कि कोई ये क्वेश्चन दिया है, कोई अनंत रेखा का आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9×10^4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात करें, मतलब लैम्डा। रेखिक आवेश घनत्व मतलब लैम्डा ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, जब भी हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन दिया जाएगा जब भी आपको, तो सबसे पहले आप ये लिखिए दिया क्या क्या गया है। आपने क्या लिखा था उस बच्चे ने, उसने लिखा कि दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा किया उसने। 2 की सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना था, 10^-2 का गुणा कर दिया, मीटर में कर दिया, ये भी वो सही था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना दिया गया, विद्युत क्षेत्र बोले कि 9×10^4 न्यूटन प्रति कूलाम, बहुत बढ़िया। उसने फॉर्मूला भी सी लगाया, E बराबर 1/4πε02λ/r। उसने क्या किया, जो उसका तरीका बच्चे का था, बच्चे ने 2 से 2 काटा, 2 बार लिख दिया। चूंकि मान तुम्हें लैम्डा का चाहिए था, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बाकी सारी चीज़ें उसने इधर भेज दी। E इंटू में 2 आ गया, पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, आर भी आ गया, बराबर में क्या रह गया, लैम्डा। तरीका उसने कहाँ से लिया देखते हैं। E का मान कितना दिया था, 9×10^4 गुणा में 2 गुणा में 3.14 गुणा में एफ साइन नॉट का मान होता है 8.85 × 10^-12 और गुणा आर का मान जो आपको दिया गया था 2×10^-2 बराबर में आ गया लैम्डा। आप सोच के देखिए, उस बच्चे ने ये जरूर किसी न किसी मास्टरमाइंड, किसी न किसी बुक से किया होगा जिसमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा लॉन्ग करके दिखा देते हैं। जबकि कैलकुलेशन आप लोग स्वयं लगाइए, कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व करना नहीं जानते हैं उसके लिए करो प्रैक्टिस, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सरल करने का। किसे कैसे सरल कर सकते, उम्मीद करो, सोच कर देखो कि आप इसका गुणा इसमें करेंगे टाइम वेस्ट होगा, इसका गुणा जब इसमें करेंगे टाइम वेस्ट और ज़्यादा होगा, उसके बाद इस पूरे गुणा जब आप इसमें करेंगे 2 में और फिर जो बचेगा उसका गुणा फिर 9 में करेंगे, एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब होगा। मेरी बात समझिए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे। जबकि उसका जो फॉर्मूला था वो केवल डायरेक्ट इतना ही था फॉर्मूला, लैम्डा बराबर इतना, जबकि ये फॉर्मूला बना कैसे वो हमने आपको बता दिया, क्लियर। जबकि उसकी बुक में या उसकी जो मास्टरमाइंड थी उसमें ये चीज़ नहीं थी। इसे कैसे सॉल्व करें वो देखो जरा बेटा, एक बार कैसे सॉल्व करेंगे, तरीके जो आपको कोचिंग में सिखाए गए हैं आप वही तरीकों का उपयोग कीजिए। कोई नया क्वेश्चन मिले चाहे पुराना क्वेश्चन मिले, आप तरीके वही रखिए, कॉन्सेप्ट आप अपने रखिए, बुक्स में कैसा है इससे मतलब नहीं, आपने कॉन्सेप्ट सीखे, जो वैल्यू आपको दी गई आप वो वैल्यू रखिए, जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया आप उस फॉर्मूला को वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से आपने सीखा है। देखना बच्चों, लैम्डा पूछा था, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों, ई बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, 1/4πε02λ/r, बात क्लियर। आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोले 9×10^9 गुणा 2 की जगह 2 लिखिए, लैम्डा आपको ज्ञात करना है, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है,
2 × 10^-2। ई का मान कितना है? 9 × 10^4। बात को समझो बेटा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, एक बार नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10^4 कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इधर कितनी, 10^4 है, इससे ये इधर जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी, 10^4 और गुणा 10^-11 बराबर में लैम्डा, घटाकर बताओ आंसर कितना आएगा, 10^ दिखाई पड़ रहा है, 10^ कितना है, माइनस का 7, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, 10^-7। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए। ये सर एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत बच्चों के उपयोगी साबित होगा, और आपको अगर ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं न्यूमेरिकल वाले तो वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगले नई वीडियोज़ के लिए। तो जो बच्चे 12th क्लास तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ऐसे शॉर्टकट तरीके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। क्लियर? तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद। समय समाप्त। बाई का शेष अगले वीडियो में।